नमस्ते मित्रता, यह शब्द सुनते ही हमारी आंखों के सामने किसी ऐसे दोस्त की छवि या तस्वीर आ जाती है जो दुख सुख में हमेशा हमारा साथ निभाता है। जब भी हम हिम्मत हार जाते हैं या निराश हो जाते हैं तो वही मित्र हमारा हौसला बढ़ाता है। मित्रता का रिश्ता सबसे प्यारा और अनोखा है क्योंकि मित्र हम स्वयं चुनते हैं। तो क्या मित्रता मनुष्यों इंसानों में ही होती है या मनुष्यों और पशु पक्षियों में भी हो सकती है? इसी बात को जानने के लिए आइए सुनते हैं आज की कहानी मित्रता। एक दिन पीहू और उसका भाई चिंटू पाठशाला से लौट रहे थे और घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में अचानक उन्हें किसी के रोने और कराहने की आवाज सुनाई दी। कराहने और रोने की आवाज सुनकर वे चौंक पड़े। पीहू को ऐसा लगा कि वह आवाज एक गड्ढे से आ रही है। पहले तो पीहू घबरा गई और चिंटू ने भी उससे कहा कि चलो छोड़ो घर चलते हैं, लेकिन फिर पीहू का मन नहीं माना और उसने गड्ढे में झांक कर देखा। जो दृश्य उसने गड्ढे के अंदर देखा वह देखकर उसका दिल पसीज गया, क्योंकि गड्ढे में एक छोटा सा प्यारा सा कुत्ते का बच्चा पिल्ला गिर गया था। वह गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रहा था, इसलिए रो रहा था। पीहू को लगा कि शायद उसे चोट भी लग गई है। चिंटू के मना करने के बाद भी पीहू ने उसे गड्ढे से बाहर निकालने का निश्चय किया। उसने बड़ी सावधानी से पिल्ले को बाहर निकाला। पिल्ले के पैर में चोट लग गई थी और खून भी बह रहा था। पीहू ने उसके पैर पर अपना रुमाल कसकर बांध दिया और उसे घर की ओर लेकर चल पड़ी। इस तरह दोनों भाई बहन उस पिल्ले के साथ घर पहुंचे। घर पहुंचकर पीहू ने हाथ मुंह धोए, जल्दी से कपड़े बदले और फिर कुत्ते के पैर की मरहम पट्टी की। पीहू ने उस पिल्ले को दूध भी पिलाने की कोशिश की और वह अपनी कोशिश में सफल रही। अब पीहू पिल्ले की बहुत अच्छी तरह देखभाल करने लगी थी। पिल्ला भी पीहू के साथ बड़ा घुल मिल गया था। माता पिता भी पीहू का कुत्ते के प्रति प्रेम देखकर इस बात के लिए राजी हो गए कि पीहू उस कुत्ते को पाल सकती है। पीहू ने उस प्यारे से पिल्ले का नाम रखा मोंटी। अब मोंटी का पैर धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया था और वह होशियार के साथ साथ शरारती भी था। कई बार वह पीहू के भाई चिंटू के खिलौने इधर उधर बिखेर देता था। इस वजह से चिंटू को मोंटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कई बार पीहू से कहता, पीहू तुम्हारे इस मोंटी को तो मैं जंगल में छोड़ आऊंगा, जब देखो मेरे खिलौने इधर उधर करता रहता है। इस तरह दिन बीतते गए और मोंटी भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक रात जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे तब अचानक मोंटी के जोर जोर से भौंकने की आवाज सुनाई दी। मोंटी इतने जोर जोर से भौंक रहा था कि घर के सभी सदस्यों को लगा कि अचानक आधी रात को मोंटी को क्या हो गया है, वह क्यों इतनी जोर जोर से भौंक रहा। इसलिए घर के सभी सदस्य बाहर आए। शोर सुनकर कुछ पड़ोसी भी वहां आ गए थे।
सबने देखा कि मोंटी एक अजनबी को देखकर भौंक रहा है और उसने कसकर अजनबी का पैर पकड़ रखा है और उसे जाने नहीं दे रहा है। पड़ोसियों ने भी उस अजनबी को घेर लिया और पीहू के पिताजी ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पर पहुंच गई। जब पुलिस ने सख्ती से उस अजनबी से पूछताछ की, तब असलियत का पता चला। उसने कहा, मैं तो एक चोर हूं। आधी रात में मैंने देखा कि इस घर के अंदर एक साइकिल खड़ी हुई है, इसलिए गेट फांद कर साइकिल चुराने आया था। जब चिंटू ने ये बात सुनी तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह साइकिल तो पिताजी चिंटू के लिए उसके जन्मदिन पर लाए थे और चिंटू को वह साइकिल बहुत प्रिय थी। चिंटू ने मोंटी की ओर देखा और प्यार से उसे सहलाते हुए बोला, पीहू, आज तुम्हारे प्यारे मोंटी की वजह से मेरी साइकिल चोरी होने से बच गई। पीहू ने मुस्कुराकर कहा, हां चिंटू, सच ही तो है, सच्चे मित्र ही मुसीबत के समय काम आते हैं और मित्रता इसीलिए अनमोल होती है। आशा है यह कहानी सुनकर आपको भी अपने किसी प्यारे मित्र की याद आ गई होगी। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखकर बताएं कि आप और कौन से विषयों पर कहानी सुनना चाहते हैं, जिसे पढ़कर मैं जल्द से जल्द उन पर भी स्टोरी वीडियोस बनाऊं। तो मिलते हैं अगले स्टोरी वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए कहानियां सुनते रहिए और सुनाते रहिए। धन्यवाद।